हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर वेल टुडे आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइटल इन केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट ड्यूटी काटा ठीक आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइटल हमें कैसे पता लगेगा कि टाइटल शुड बी द सेम इन बोथ दिस केसेस फॉर्मर एंड इन द दब्सिक्वेंट वन सो लेट्स डिस्कस द टाइटल टाइटल ऑलरेडी मैंने आपको एक सेशन में समझा चुकी हूँ इट इज द रीगल लीगल रिलेशन विद द सब्जेक्ट मैटर टाइटल को अगर आप समझें तो ये क्या होता है लीगल रिलेशन विद सब्जेक्ट मैटर ठीक है बच्चे सो लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी दैट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर इज इट्स टाइटल मैटर मैटर के लिए यू हैव टू सी कॉज ऑफ एक्शन इन इशू क्या रिलीफ होगी ठीक है जैसे सपोज कीजिए फादर है फादर ने गिफ्ट कर दी है प्रॉपर्टी किसको ए को सो फॉर एवरी डिस्टिंक कॉज ऑफ एक्शन देयर विल बी अ डिस्टिंक टाइटल एंड द पार्टी अकॉर्डिंगली कैन फाइल मेनी सूट्स आपका अगर टाइटल हर केस में डिफरेंट होगा तो आप कि के उस केस पर उसके कार्टा अप्लाई नहीं होगा बिकॉज टाइटल क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे सपोज कीजिए ए है एंड बी है ठीक है? है इनके बीच में क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो ये मान के चलिए ही इज द प्रिंसिपल एंड बी इज एजेंट तो जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है दैट बी विल डू समथिंग फॉर ए एंड जो बी है विल नॉट कमिट एनी टोट अगेंस्ट ए ठीक है अब लेटर ऑन क्या होता है बी इज नेग्लिजेंट एंड ही कमिटेड अ टोट सो अब क्या होगा ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग क्या डैमेजेस डैमेजेस फॉर व्हाट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सो द सूट वाज डिसमिस्ड सूट को डिसमिस किया गया लेटर ऑन अगेन ही फाइल्स द सूट अगेंस्ट बी फिर से वो बी के अगेंस्ट फाइल करता है एंड दिस टाइम ही क्लेम्स डैमेजेस अंडर द लॉ ऑफ टॉट टॉट के अंदर वो फाइल करता है तो क्या बताइए बताइए रेस्ट जू डी काटाप्लाई होगा जो देखिए फॉर्मर सूट था वहां पर एक काइंड ऑफ प्रोमिस था ना सो so, वो केस क्या था कॉन्ट्रैक्ट का अब जो सब्सिक्वेंट सूट हुआ है उसमें क्या है ए इज सिंपल एंड इंडिविजुअल राइट एंड बी क्या है बच्चे टॉट फीजर मीन जिसने टॉट किया है तो यहाँ पर अब केस किस चीज का होगा टॉट का इंडिविजुअल कैपेसिटी में सो एज वी कैन सी द टाइटल इज डिफरेंट दूडिकाटा विल नॉट अप्लाई राइट सो ए फाइल सूट अगेंस्ट बी एज अ अडलोर्ड लेसर क्लेमिंग एविक्शन मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ तो सूट क्या हो गया डिसमिस हो गया

एंड ही क्लेम्स दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू द मठ कोई मठ है उसको प्रॉपर्टी बिलोंग करती है एंड अपॉन दिजर तो अब उसको वो चाहिए और, उसने एक फाइल किया है. समझ है और ये सूट क्या हो गया है डिसमिस हो गया लेटर क्या करता है एम अगेन फाइल द सूट फॉर द सेम प्रोपर्टी क्लेमिंग द प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिज फादर एंड अपॉन द डेथ ऑफ हिज फादर ही हैड सक्सीडिड टू दैट प्रोपर्टी

ठीक है बच्चे सो वन पर्सन कैन हैव टू डिफरेंट लीगल कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एग्जाम्पल मोर्टगेज भी हो सकते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट और आप ऑनर भी हो सकते हो फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो एज एन ओनर ही कैन क्लेम द पोजेशन दैट्स टाइटल डिफरेंट होगा ठीक है बच्चे सपोज कीजिए ए फाइल द सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग रिडम्पशन ऑफ अ मोर्टगेज सूट क्या हो गया डिसमिस लेटर अगेन ही फाइल द सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग पोजेशन एज एन ऑनर

बच्चे सो सूट इट इज क्लेम्ड अंडर द टाइटल में है और आप दूसरा केस ऑनरशिप में डालते हो तो नॉट अपलाई टाइटल मोर्टगेजी अर्लियर एंड ही हैड गॉट द मोटगेज फोर क्लोज अपॉन विच ही टाइटल इन बोथ दूट्स वुड बी ऑफ ऑनरशिप ठीक है ना दोनों ही केसेस में ऑनरशिप का ही होगा क्योंकि वो कह रहा है कि अर्लियर में मैं मोर्टगेज था बट मैंने वो फोर फोरक्लोज कर दिया था एंड राइट नाउ मैं ऑनरशिप में कर रहा हूँ तो दोनों ही केसेज में ऑनरशिप है एंड द मैटर इन इशू इन द फॉर्मर सूट वुड बी बोथ सक्सेशन एंड फोर क्लोजर ऑफ मोर्टगेज सो ही कुड हैव हैव ओ टू रेज द इशू ऑफ फोर क्लोजर इन फॉर्मर सूट एंड सिंस ही कंस्ट्रक्टिवली डिड दैट सो दैटी काटा विल अप्लाई ठीक है अगर क्लोजर का केस नहीं उठाएगा तो रेस्ट में अप्लाई होगा बच्चे ठीक है सपोज कीजिए ए फाइल्ड अगेंस्ट बी फॉर द पोजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑनरशिप अंडर कस्टमरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू आपके पास ऑनरशिप आई है कस्टमरी लॉ होता है हमारे तो ए ने उसके तहत अपना सूट फाइल किया है सूट क्या हो गया डिसमिस हो गया अब ए अगेन फाइल द सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग द पोजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनरशिप अंडर द पर्सनल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है पहले क्या था कस्टमरी लॉ था और अब क्या है पर्सनल लॉ और इनहेरिटेंस का ही है बच्चे तो बताइए अब क्या है मैटर इन इशू वहां पर सक्सेशन अंडर कस्टमरी लॉ और यहां पर पर्सनल लॉ बट दोनों ही केसेस में क्या है इट इज ओनरशिप टाइटल क्या है

तो उसने कस्टमरी लो उठा दिया अब इस केस में उसने पर्सनल लो उठा दिया तो वो पहले भी वो इशू रेज कर सकता था दैट्स वाई इट्स द सेम थिंग ही क्लेम्ड नाउ एंड कंस्ट्रक्टिवली रेस्ट जुडिकाटा क्या होगा बच्चे अप्लाई होगा सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक हाउ द टाइटल इज रिलेटेड इन रेस्ट जुडिकाटा आपको टाइटल के रिलेशन में बिल्कुल कंफर्म हो जाना है अच्छे से आपको समझना है कि, कि किस केस में टाइटल सेम है और किस केस में टाइटल डिफरेंट है